नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अजिता। बैंक से लोन लेकर उसकी अदायगी न करने पर रीवा में कुर्की की कार्यवाही किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार को मध्यांचल बैंक व प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बैंक के कर्जदार पर कुर्की की कार्यवाही की गई है। दरअसल यह कार्यवाही आज कलेक्टर के निर्देश पर की गई है और कुर्की के बाद भी लोन की किश्त नहीं चुकाई जाती जो नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही को लेकर प्रशासन की टीम ने बताया कि वर्ष 2013 में अखिलेश्वर उर्मलिया ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक की शाखा से 7 लाख का लोन लिया था, जिसकी किश्त न जमा किए जाने पर ब्याज बढ़कर 11 लाख हो चुकी थी। बताया गया कि मामले में कलेक्टर ने 2018 में कुर्की के आदेश दिए थे, बावजूद लोन की किश्त जमा नहीं की गई। जिसकी समयावधि पूरी होने पर आज कुर्की की कार्यवाही की गई है। इसके बाद भी अगर किश्त जमा नहीं की जाती है तो कुर्की के सामानों की नीलामी की जाएगी। यहाँ पर सफेसी एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। अखिलेश्वर उर्मलिया जी हैं, इन्होंने वर्ष 2013 में मध्यांचल ग्रामीण बैंक से लोन लिया था 7 लाख रुपये का, आज इसकी राशि बढ़कर के 11,38,457 रुपये हो गई है, परंतु आज तक इसकी किस्त नहीं जमा की जा रही है। 2018 से माननीय कलेक्टर सर का आदेश जारी है इसमें पजेशन आर्डर का। 2018 से आज लगभग हो रहे हैं 1.5 साल हो रहा है, उसके पश्चात इनके द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं की जा रही है। इसी आदेश के तहत यहाँ पर कोई भी कार्यवाही की जा रही है। देख रहे हैं कुर्की का पोजिशन के देश के बाद अगर नहीं होता है तो फिर उनकी नीलामी की कार्यवाही मतलब की जा रही है। अभी कितने दिन का समय इनको तक के? समय तो वहीं नहीं, इनके पास समय ख़त्म है। इनका दो बच्चे हैं छोटे छोटे, और 1.5 साल पहले का आदेश नीलामी कार्यवाही अग्रिम की जाएगी अगर दोबारा नहीं दिया जाता।